सबसे बड़ा स्टेडियम है रंगशाला स्टेडियम, मैं अभी उसके अंदर हूँ। अंदर का व्यू देखिए दोस्तों, पहाड़ी नेपाल की आन बान और शान है। नेपाल पोखरा का सबसे बड़ा स्टेडियम, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नितेश है और मैं आप सभी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी शाम का वक्त है, टाइम हो रहा है 6, और मैंने एक बार फिर से आ गया हूँ नेपाल पोखरा का सबसे बड़ा स्टेडियम है रंगशाला स्टेडियम। मैं अभी उसके बाहर हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं एक बार आया था तो दोस्तों अंदर नहीं जाने दिया था, लेकिन आज चलते हैं देखते हैं अंदर जाने देता है कि नहीं जाने देता है। अंदर जाने देगा तो देखेंगे, अंदर की वीडियो बनाएंगे और कुछ प्रश्न बात है जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में। तो दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मैं मोबाइल अंदर में पॉकेट में रख लिया था और मैं फाइनली अंदर आ गया हूँ। पता नहीं अंदर अलाउ है कैमरा की अलाउ नहीं है, लेकिन मैं अंदर आया हूँ। मैं चुपके से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए प्रतीक भी है साथ में और यहाँ कुछ इस तरह का सीन है। चलते हैं और अंदर में, चुपके से तो वीडियो बनाएंगे हम। तो अंदर में कुछ इस तरह का सीन है, स्टेडियम इसके बंद है अभी, इसके अंदर तो नहीं जा सकते हैं, बाहर से दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अभी बंद है, मैच होता होगा तो ओपन होता होगा। इसमें अंदर जाने के लिए तो टिकट लेना पड़ता होगा। और ये बाहर का कुछ सीन है इस प्रकार का, आप लोग देख सकते हैं। और हम ना जा रहे हैं और थोड़ा अंदर, अंदर तो आ गए हैं लेकिन वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं कोई बोलता है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कोई बोलेगा वहाँ पे, गार्ड अंदर आने नहीं देता है ना। वो बोल रहा था कि जो खेलने वाला लड़का लोग है वहीं अंदर आ सकते हैं। फिर भी हम जैसे तैसे फुसला कर आए हैं अंदर और थोड़ा सा दिखाते हैं इधर का सीन। दोस्तों मैंने अभी पोखरा के सबसे बड़ा स्टेडियम है रंगशाला स्टेडियम, मैं अभी उसके अंदर हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जितना अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। मैं जितना अच्छे से दिखा पाऊँगा उतना अच्छे से दिखाऊँगा आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों मैं ना क्या करता हूँ, गेट तो बंद है, थोड़ा अंदर से ही कैमरा अंदर करके दिखाते हैं अंदर का व्यू, देख सकते हैं आप लोग। वाह बहुत अच्छा, ये दोस्तों अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार का है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और मैं दिखा दिया मोबाइल अंदर करके तो। और दोस्तों मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतने करीब से देखा हूँ स्टेडियम। मैं इंडिया में भी कहीं पे नहीं गया स्टेडियम में मैच देखने, और मैं क्या कहूँ पहली बार लाइफ में इतनी करीब से स्टेडियम देखा, अभी नेपाल पोखरा का सबसे बड़ा स्टेडियम। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और दोस्तों इधर में ना नेपाल की खूबसूरती, पहाड़ से बहुत ही खूबसूरती होती है दोस्तों। पहाड़ ही नेपाल की आन बान और शान है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों मैं ना आज काम पे नहीं गया, मैं कल गया था, मैं आप लोगों से बोला ही हूँ। मैं अभी 3 बजे शाम को मैं वीडियो अपलोड किया हूँ अपना, और मैं कल गया था बर्तन के दुकान में, लेकिन वो लोग मुस्लिम लोग हैं तो ईद में घर गए हुए थे वो लोग, तो वो लोग तो आ गए हैं लेकिन अभी माल नहीं आया है, तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और मैं फिर सुबह गया था मंडी में, मैं सोचा कि इससे बेटर रहने से क्या होगा, चलते हैं फली बेच लेते हैं। लेकिन मैं गया तो अंगूर का रेट बहुत ही हाईएस्ट हो गया था दोस्तों, और कोई लेता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज को लिया 150, कल 200 रुपये किलो, कोई
नहीं लेता है दोस्त, मैं एक दिन का माल दो दिन बेचाऊँगा आप लोग देखे ही, तो यही बात है। और एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, कल से डेली रूटीन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा दिया हूँ नेपाल पोखरा का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ। तो दोस्तों जब तक लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।